गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 से रिलेटेड एक नया अपडेट जो कि काफी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है इस पॉइंट को लेकर के क्लियर करने वाला हूं। चलिए वीडियो पे देखते हैं क्या है वो पॉइंट और किस तरीके से उसको आप समझ पाएंगे। जो सवाल आता है लोगों का वो ये है कि सपोज हमारी मार्च 2019 की, ध्यान से समझिएगा क्या कंफ्यूजन है, मार्च 2019 की जीएसटीआर 3B जिसकी ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2019, मार्च 2019 की ड्यू डेट 20 अप्रैल 2019 है, उस रिटर्न को अगर हम लोग फाइल करते हैं आफ्टर 20 अप्रैल 2019 तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, मार्च 2019 का ही हमारा जीएसटीआर 3B है और उसको हम लोग फाइल करते हैं 20 अक्टूबर 2019, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मार्च 19 की रिटर्न है उसको फाइल करते हैं हम लोग 20 अक्टूबर 2019 के बाद, तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये दो सवाल हैं और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि इनएडमिसिबल आईटीसी का जो है वो नोटिस आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मार्च 2019 की रिटर्न है उसको आप 20 अप्रैल जो कि मार्च की ड्यू डेट है उस दिन तक अगर फाइल नहीं करेंगे, 20 अप्रैल के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के अंदर फाइल करनी है तभी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का एलिजिबिलिटी जो है वो आपको दिया जाता है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो कहता है वो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको लेने के लिए जो लास्ट डेट है वो प्रेस्क्राइब करता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। यानी कि सिर्फ मार्च 19 की ही रिटर्न नहीं, आप अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 तक की जो भी जीएसटीआर 3B के अंदर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस हो गया होगा वो 20 अक्टूबर 2019 से पहले अगर आप फाइल कर देंगे तो उसमें उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 16 मैंने ओपन करा है, इस ये कहता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ After the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice relates, मतलब ये हुआ जिस financial year से related आपका invoice है जिसका input tax credit आपको लेना है उसके end होने के बाद जो new financial year start होगा उसकी जो सितंबर महीने की सेक्शन 39 की रिटर्न की फाइलिंग ड्यू डेट है उस दिन तक आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। हमारे एग्जांपल में मार्च 2019 का इनवॉइस था, उसका हमें जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था और मार्च 2019 की जो जीएसटीआर 3B है वो हमने फाइल करी है सपोज 20 अक्टूबर 2019 से पहले किसी भी दिन, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मार्च 2019 की रिटर्न फाइल कर दी है और वो फाइल करी है 20 अक्टूबर के बाद यानी कि सितंबर महीने की जो ड्यू डेट की उसके बाद, तो आप मार्च 19 की रिटर्न 20 अक्टूबर के बाद फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 कहता है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सपोज हमने मार्च 2019 की रिटर्न वेल बिफोर ड्यू डेट यानी कि 20 अप्रैल 2019 से पहले फाइल कर दी है तो क्या उसके अंदर अगर हमारा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस हो जाता है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्रैल 2019 की रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं जब तक आप अपनी सितंबर महीने की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले क्लेम कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज को समझना बेहद जरूरी है, काफी लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज करते हैं कि मार्च महीने की रिटर्न हमने कब फाइल करी है तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा अगर हमने मार्च की रिटर्न जो है मार्च की ड्यू डेट के बाद करा है।
मार्च का ड्यू डेट नहीं बताया गया, वो बताया गया है रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर के बाद जो सितंबर की रिटर्न है उसकी क्या ड्यू डेट है, वो आपका लास्ट डेट रहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। अब आप देखेंगे तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस एंड शैल द अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी कि जो कंडीशंस दिए गए हैं रूल 36 के अंदर उसको फुलफिल करके आप क्रेडिट ले सकते हैं। और इसका जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम अनलेस। इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास कोई टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट हो जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आपने जो एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो है वो रिसीव कर ली होनी चाहिए। उसके बाद है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 जो मैचिंग की बात करता है द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज एक्चुअली बीन पेड, जो टैक्स उसके ऊपर है उसका एक्चुअल में पेमेंट जो है सप्लायर के द्वारा कर दिया गया हो एंड ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। यानी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड है फिलहाल वो है GSTR 3B। तो इस चीज को समझिए कि GSTR 3B की रिटर्न आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल करेंगे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं जाता है। अगर आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो लास्ट डेट दी गई है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद जो सितंबर की ड्यू डेट है उस दिन तक अगर आप फाइल कर देंगे तो आपको क्रेडिट जो है वो दे दिया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की जरूरत इसमें नहीं है। एक बार मैं आपको सेक्शन 39 जो है वो एक बार दिखाता हूं वो क्या कहता है। ये मैंने ओपन करा है सेक्शन 39 जिसका सब सेक्शन 1 बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेना है तो आपको रेगुलर टैक्स पेयर्स के अंदर GSTR 3B जो है इसी सब सेक्शन के अंदर फाइल करना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 और सेक्शन 51 और सेक्शन 52 शैल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड टैक्स पेबल टैक्स पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब ऑन और बिफोर द 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। यानी कि सेक्शन 39 के अंदर ये बोला गया है कि आप अगर अपनी 20 तारीख तक रिटर्न फाइल करते हैं तो वो ड्यू डेट के अंदर मानी जाएगी और उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो वो ड्यू डेट के बाद मानी जाएगी। तो आपको कुल मिलाकर के ये समझना है कि रिटर्न अगर आप आफ्टर ड्यू डेट करते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो ड्यू डेट है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर है और उसका लास्ट डेट है सितंबर महीने की GSTR 3B रिटर्न जो सेक्शन 39 प्रेस्क्राइब कर रहा है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है जीएसटी से रिलेटेड या जीएसटी सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 से रिलेटेड तो आप उसके लिए हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। क्वेरी पूछने के लिए आपको सिंपली इसके कॉन्टैक्ट अस में जाना है और अपना जो बेसिक डिटेल्स है जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी फोन नंबर किस मैटर पे आपकी क्वेरी है उसका हेडिंग और जो क्वेरी का सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्क्राइब करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप जीएसटी के एक्ट्स और रूल्स को समझना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी पेनड्राइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।